हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। द हीटिंग क्वाइल इज लेवेड। एक क्वाइल है हम लोगों के पास, सपोज ये क्वाइल है, दिस इज द क्वाइल, एंड ये जो क्वाइल है इसका पावर दिया हुआ है 100 वॉट एंड वोल्ट जो है 220 वोल्ट ऐसे दिया हुआ है। देन द कट इन टू हाफ। चलो इस क्वाइल को एक हाफ पार्ट में काट दो, यहाँ से काट दो। वट एवर इसका रेजिस्टेंस, अगर इस क्वाइल का रेजिस्टेंस पोटेंशियल वी लेता था डेटा, इसकी रेजिस्टेंस आर थी, तो इसका रेजिस्टेंस आर बाई टू आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आर बाई टू आ जाएगा। कट करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस आर था। इन द टू पीसेज आर ज्वाइंट पैरेलल। ठीक है, चलो ये दो पीस है उनको हमने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। दिस कॉम्बिनेशन इज ज्वाइन इन पैरेलल, दिस इज आर बाई टू एंड दिस इज आर बाई टू कॉम्बिनेशन ज्वाइन इन पैरेलल। द एनर्जी लिबरेटेड, एनर्जी हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम। अगर मैं प्लस माइनस बी वोल्ट की यहाँ से बैटरी लगाता हूँ, ठीक है, तो हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम इन दिस सर्किट। एनर्जी दैट पावर, अगर यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से तुम देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो पावर इज इक्वल टू होता है किसी भी बल्ब का या क्वाइल का जो भी है, फिलामेंट है, तो ये वी स्क्वायर हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वी स्क्वायर अपन पावर। तो V की वैल्यू यहाँ दे रखा है 220 और मल्टीप्लाइड बाई 220 एंड डिवाइड कर दूँ पावर दैट इज 100। तो जीरो ने दो जीरो को ख़त्म कर दिया और नेट रेजिस्टेंस R की वैल्यू मल्टीप्लाई करो 484 ओम आ जाएगा इतना। ठीक है, तो जब हमने कट किया, ठीक है, तो R बाई 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 484 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 242, दैट दिस इज द ओम। लेट्स इट्स, इसका नाम दे देते हैं R1 और इसका नाम दे देते हैं R2। तो इन दोनों, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। एक्चुअली R1 R2 आपस में इक्वल है बच्चों, ठीक है, तो ये R1 भी इतना हो जाएगा और R2 भी इतना ही हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को मैं यहाँ पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड, एनर्जी जनरेट पर सेकेंड, तो एनर्जी जो पर सेकेंड होती है वो पावर ही तो होती है। पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर पर सेकेंड की बात करोगे तो एनर्जी वर्क पावर ही होता है, दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर, ये होता है। अब वही सोर्स है, वही मतलब वो क्वाइल है, तो अगर इनको दोनों मतलब इतना ही सोर्स से कनेक्ट किए हो, क्वाइल इज रिवेटेड 100 और इसका 220 वोल्ट ही है, और अब रेजिस्टेंस नेट, इस पूरे इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस काउंट होगा, नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर नेट, यहाँ पे हम आर नेट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। आर आर और आर दोनों पैरेलल में, दैट इज R1/2, तो R1/2 तो 2412 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 121, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों पैरेलल में है भाई, पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। तो यहाँ से पावर की वैल्यू 220 और मल्टीप्लाइड बाई 220 और डिवाइडेड बाई 121 नेट रेजिस्टेंस। फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये 11 से कटोगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये 11 से 2 टाइम कट जाएगा, दैट इज 400 वॉट इज द पावर कंज्यूम। ठीक है, अगर उनको मतलब मैं सेम सोर्स से कनेक्ट करता हूँ तो 400 पावर इसमें एनर्जी कंज्यूम होगी पर सेकेंड इतनी। ठीक है, तो सोर्स सेम है। नेक्स्ट चलो वीडियो